अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का दिन स्टार्ट हुआ है गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, क्या दिन है। बहुत पसंद है मुझे सफ़र। मुझे ड्राइविंग इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पहले ऐसे होता था माजी, जब मुझे जब बहुत ज़्यादा कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो रही होती थी या कभी मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता था ना, तो मैं गाड़ी लेकर निकल जाती थी रिंग रोड पर और उसके बाद इतना पेट्रोल लगा देती थी अपना। बाद में अफसोस करती थी, अल्लाह कितने पैसे ज़ाया करती हूँ। गाड़ी में ही बैठ रहती थी और ख़ास तौर पर जब होती थी बारिश। मुझे इतना पसंद है बारिश में ड्राइव करना, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। खैर, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कल वाला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और अब आज का दिन स्टार्ट हुआ है हमारा, इसी तरह गाड़ी में भी हमने नाश्ता भी नहीं किया। आज हम ऐसे निकल आए हैं, मर्द रात को घर छोड़कर देखते हैं वो पूरा दिन क्या करते हैं। ज़रा एक दिन औरतों के बगैर गुजरे ना, बड़े शोखे होके जाते हैं, तुम लोग करते क्या हो, इनको ज़रा पता लगे कि हम लोग करते क्या हैं। खैर, हम लोग जा रहे हैं अभी सैलून जा रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत कलर चेंज करवाना था, चेंज नहीं करवाना था, इसी को कलर को सेट करवाना है मैंने। और मैंने कहा थोड़ा तैयार हो लूँगी, थोड़ी वीडियोस बन जाएंगी वहाँ पर मेरी, कुछ रील वगैरह बना लूँगी, ज़रा दिन स्टार्ट करूँ, कहीं जाऊँ, बाहर ही नहीं निकलती मैं, मैनी पैडी वगैरह करवा लेंगे। अभी मैंने साइमा को कॉल की थी, साटे सैलून है, मैंने साइमा को कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ। साइमा ने बोला आ जाएँ सहर जी, आप आ जाएँ। बहुत प्यारे, बहुत प्यार से बोलती है, इतनी अच्छी लगती है मुझे। सिर्फ इसका लहजा है, काम तो इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके लहजे की वजह से मेरे कहीं और जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि वो इतने प्यार से बोलती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सहर जी बोलती है, इतनी अच्छी लगती है ना मुझे, बहुत अच्छी लगती है। एनी वेज, हम लोग उधर जा रहे हैं, अब जाके आपको अपडेट देते हैं। पहले तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है और धूप का आलम देखें, उफ अल्लाह कितनी तेज़ धूप है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया, पहले की नस्बत थोड़ी हबस हो गई है, लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं, जाके आपसे मिलती हूँ मैं सैलून में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो सैलून हम लोग पहुँच चुके हैं। सैलून आते ही जैसे हम आए तो आयरा साहिबा ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मम्मा आप फिर ले आइए सैलून, अब मैं आपको काम नहीं करने दूँगी। जो कह रहे का काम है कि मम्मा मैं सैलून आ गई, मैं आपको काम नहीं करने दूँगी। एनीवेज, अभी मैं आई हूँ, अब मैं थोड़ी सी सर्विसेज लूँगी। पहले मैं लूँगी मैनी पैडी, और अगर मुझे आयरा ने करवाने दिया तो मैनी पैडी के बाद मैं हेयर कलर करवाऊँगी। हेयर कलर करवाने के बाद उसके बाद मैंने क्या करवाना है बाद में सोचेंगे, इसके बारे में हम अभी नहीं बताते, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मैं साइमा का वेट कर रही हूँ, साइमा जैसी नीचे आएगी और फिर हम डिस्कस करेंगे। या तो हम लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे या तो कुछ सर्विसेज होंगी, अब देखते हैं कि क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। कैसी हैं आप साइमा? मैंने लोगों को बताया कि ये इतनी अच्छी है साइमा, मुझे सहर जी करती है, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा बोलती है। माँ जी पूरे रास्ते मेरे से ज़्यादा आपकी तारीफें करती आई हैं। आप इतनी अच्छी हैं, सिर्फ इस वजह से, आपकी वजह से ये साटे सैलून आती हूँ मैं, सही बता रही हूँ। सर्विसेज तो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 100/100 हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ के। आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी है आप, आपसे प्यार हो गया। मैं लड़का होती मैं आपसे शादी कर लेती। और मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ कि साइमा की सबसे बेस्ट फ्रेंड पता कौन है? आयरा फातिमा। आयरा आती है साइमा के पास, ऐसे जाती है, मेरी दोस्त बन गई है साइमा, ऐसे करती है जैसे सगी जो खाला होती है ना, जो सबसे ज्यादा दोस्त होती है, आयरा इस तरह करती है, जैसे रिमचा के पास जाती है, बहुत ज्यादा प्यार इतना करती है, इतनी देर सोई रहती है आपके पास। तो आप इतनी प्यारी, शर्मा क्यों रही है? तो कैसे हम लोग सैलून से वापस आ गए, आते साथ ही हम लोगों ने खाना शाना भी खा लिया और हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए। तो मैंने सोचा छोटा सा कंटेंट जो है बना के शूट कर लिया जाए, और वो ये है कि मैंने प्लान किया है कि हम लोग करेंगे प्रैंक, वो भी माँ जी और पापा जी के साथ, मेरे सास ससुर के साथ। बहुत मुश्किल है, पहली दफ़ा मैं प्रैंक करने लगी हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं मुझसे प्रैंक होगा कि नहीं होगा, तो मैं करूँगी माँ जी और पापा जी के साथ प्रैंक, मैं और समी लड़ेंगे, क्योंकि मैंने मामा की तरफ जाना है और टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया, 11 तो इधर ही बच गए। जाना भी अकेले है, मैंने जाना है और आयरा ने जाना है। तो पापा जी ना, मैं तैयार होंगी और तैयार होकर मैं समी को, क्योंकि मैंने जाना और समी मुझे जाने नहीं देंगे। तो ये हमारा प्रैंक शुरू का, अब आगे देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होता है और ये प्रैंक कैसा जाता है, ये सही जाता है या हम पकड़े जाते हैं। पिछले हफ्ते तो गई है, फिर जाना है? पिछले हफ्ते नहीं, वैसे मैं गई, आप बोलना पिछले से पिछले हफ्ते। हाँ होगी क्या, मतलब लड़कियाँ तो जाती रहती हैं, बोलना सात साल बाद हमारी माँ जाती थी। हाँ वो तेरी माँ ने कहा था, ईद भी जाती थी। चल दिल की बड़ास निकाल रहे हैं। ओके रेडी, क्या सीन है?
यार रहन दे यार, आज जरूर जाना तुमने। यार मियां क्या मतलब इतने दिन हो गए मैं नहीं गई। इतने दिन पिछले हफ्ते तो गई, पिछले से पिछले हफ्ते मतलब 7-8 दिन हो गए। तो 14 दिन हो गए उस बार। तो काके ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शादी के वक्त के आपने हर हफ्ते जाना है और ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं मां के घर नहीं जाना, ये तो बात नहीं हुई है। मेरे साथ आप नहीं जा रही, मुझे काम है आपके साथ। मेरे साथ क्या काम है यार, मुझे कुछ यार शो बीबी के साथ डिस्कशंस होती है। मैंने को तो डिस्कशन हर वक्त होती है भैया, कभी औरत को भी छुट्टी चाहिए होती है कि मैं क्या वैसे जॉब भी नहीं। आपको लग रहा है कि इनका शादी आपके लिए जॉब है? तो एक जॉब ही है, हर वक्त काम काम कराते हैं आप। ये कोई जॉब नहीं है, समझ आई? इसको जॉब नहीं समझे, इसको फर्ज समझे। जैसे मैं अपना फर्ज समझ के शौहर बना हुआ, आप बीवी बने फर्ज समझे उसको। तो मैं एक बेटी भी हूँ। तो बेटी अल्लाह को रखे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे मैं मेरी बेटी ही हूँ। अपनी बेटी है ना आपकी, वो आपसे मिलने आएगी कल को, उसका शौहर मना करेगा सही नहीं? मैं जाने देता हूँ कि बेटी को आपसे दूर, मेरी बीवी को भी मुझसे दूर जाने दे, समझ आई? ये क्या चूस मार रहे हो? तो बात ये कि आप इस तरह ना करेंगे, हर बार हफ्ते जाना है, मैंने जाना है, माँ मेरी अम्मा अजीब जाना है। यार उनको बुला लिया करें, जाना है घर में सो था जी माहौल नहीं है, हमारे घर का माहौल नहीं है, बार बार हमारे घर नहीं जाते, माए बेटियों के घर नहीं जाते। कोई बात नहीं, माहौल चेंज हो गया भाई, आ रहे हैं तो मान लेनी। लेकिन जो भी यार आपकी अम्मा आपके आपके घर खानदान में नहीं है ना कि मायने जाती, तो आपके खानदान में ये भी तो है कि बेटियां अपने ससुराल में चली जाती है। नीचे बात भी क्या बात करें, आपने मजाक समझा हुआ है, मतलब सो मुझे काम है आपके साथ, आपके नहीं मैंने जाना है। अजीब तमाशा यार, जाना है जाना है जाना है। ऊंचा क्या बोल रहा हूँ, आपको खुद सेंस होनी चाहिए। मेरे शोहर के 100 काम है यार, मैंने उसको कह लिया जाए यहाँ से, और मैंने जाना भी मांग कर बदतमीजी कर रहे हैं, आपको सेंस ही नहीं है इस बात की। आपकी ना आवाज दिन पर दिन ना जैसे जैसे आरा पैदा हुई ना, आपकी आवाज बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जाएगी ना, आपका भी तो मांग कर जाना बढ़ता जा रहा है। तो जाए, लेकिन एक टाइम होता है वो महीने महीने बाद जाती है लड़कियां। मेरी बात सुने, कोई तरीका नहीं घर में अपने कपड़े चेंज करने जाकर, मुझे कुछ काम है आपके साथ, 100 काम है, वीकेंड होता है, आपको अपने घर जाना है आपने। मैंने भी घर जाना है। किस बात से घर जाना है? मेरी मर्जी। आप किस बात की मर्जी आपकी, मेरा कोई दोमल नहीं है जिंदगी में। क्या मैं इतने दिन से नहीं गई आपके जी? कोई चक्कर नहीं है यार, जी ठप्पा लग गया, ठप्पा लग गया ना आपके साथ, नाम का ठप्पा लग गया मेरा, बात खत्म अभी नहीं, आप महीने बाद जाया करें यार। मैं तेनू अपनी ना बकवास बंद करें, अपनी बकवास बंद करें, और उसके बाद मेरे साथ यार सुन क्यों नहीं रहे थल्ले साथिया, मुझे पानी पिलाओ, अजीब तमाशे लगाए गए यहाँ पे। क्या हुआ? हम आप किचन में जाएं, अजीब ने तमाशा लगाया, माँ के घर जाना है, माँ के घर जाना है, हर हफ्ते इसने माँ के घर जाना है। तो बेटा मजाक समझा हुआ यार हर चीज को आप लोगों ने, 100 मुझे काम है आपके साथ, आपने माँ के घर जाना है। आपकी माँ नहीं, मैं आपकी माँ के पास जाना चाहिए। यार आप मेरी माँ के पास चले जाए, अपनी माँ के पास क्यों जाओ? मेरी माँ है यार, अपनी माँ को यहाँ बुलाए ना, उनको कहीं यहाँ पे आपके पास आके रहे, मुझे 100 अपनी मुझे चाहिए होती। मेरी बदतमीजी की बात नहीं है, समझ आई? अजीब आपके बदतमीजी, आप उतरती है, आप उतरती है बदतमीजी पे। मैं जब मना करो नहीं जाना, आपको काम ही नहीं बनता, अगली बहस करना कि मैंने जाना। अजीब यार, मुझे काम है, मैंने अगर वीडियो शूट करने हैं, चीजें प्लान करनी है अपनी बीवी के साथ, अगर किसके साथ करूं? बेटा उसने अपनी अम्मी की तरफ हर हफ्ते जाना है, अभी पिछले से पिछले हफ्ते हो गए, 10 दिन नहीं गुजरे जाना मैंने अम्मी की तरफ। अजीब आगे से बदतमीजी करती है, इसकी जुबान देखें, बदतमीजी और बदतमीजी की जुबान ऐसे तेज हुई है जैसे पता नहीं मैं कौन इसका कोई दोस्त हूं मैं। ठीक है मियाँ बीवी दोस्ती अलग जगह पे, लेकिन एक ख्याल होता है यार कि मियाँ रोक रहा, रुक जाओ, आगे से बदतमीजी जुबान दराजियां करने लग गई है। अम्मा क्या कंट्रोल करूं मैं, ऊंचा बोल रहा है, अजीब उसको सेंस होनी चाहिए इस बात की, उसको शर्म ही नहीं आती यार, मियाँ मेरा कह रहा है रुक जाओ, मैं रुक जाऊ। कितनी बदतमीजी कर रहे हैं आप, ये तो नहीं आपने मुझे बताया था कि आप यार आप बैठ जाए या चले गए प्लीज। बुरी बात है बेटा, उसने जाना सारे माँ का घर है, यार माँ का घर है तो माँ को यहाँ बुला ले, तो उसकी अम्मी बीमार है, नहीं अपनी अम्मा का लिहाज कर ले। यार लिहाज की बात नहीं है, ठीक है बात इतनी सी, आपने नहीं जाना, बात मैंने जाना है, आप नहीं जाएंगे यहाँ से, जाऊंगी अजीब तमाशे बने हुए, पता नहीं क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा भैया, वो बैठ के बोली जा रहा नहीं जाना, अगली बंदी को जुबान बंद हो जाएगी, हाँ भैया मैं नहीं जा रही, तैयार होकर सामान पैक करके मैं जा रही हूँ। मुझे बताया था, मैं तुम्हें बताना, आप शोहर है इसका?
या आपकी बीवी है? मशरूफ था। मशरूफ जितना मर्जी हो मुझे पता होना चाहिए जाना है नहीं जाना, वो मैं जा रही हूँ सामान पैक करके। अजीब मजाक समझा हुआ कोई, बच्चा हूँ मैं छोटा सा, यहाँ पे काम वाला आपका आपका हेल्पर हूँ मैं, यहाँ पे मुझे बता रही मैं जा रही हूँ, मैं आपकी गाड़ी में दोबारा खुला छोड़ दूँ या ड्राइवर के साथ भेज दूँ आपको। अजीब यार, मैं जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? मैं जाऊंगी। नहीं, क्या आज यहाँ से निकली ना शहर तो फिर देखना क्या होता है। क्या करेंगे? जुबान में समझा लें कि दहलीज पार हुई मेरा हाथ उठ जाएगा शहर। दहलीज पार करूंगी आप मारे बेटा। अम्मा आप प्लीज ना बोले बीच में। क्यों ना बोलूं? मैं बता रहा हूँ इसकी, मैं माँ हूँ तेरी, बोल सकती हूँ। अम्मा प्लीज मियाँ बीवी के मामले में ना बोला करें आप लोग। मियाँ बीवी के मामले में ठीक है, तुम आपस में प्यार में बसे रहो, मुझे कोई मसला नहीं। आपको तो अपने पेरेंट्स का भी साथ नहीं है, मैंने तो ये देख के शादी की थी कि पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स फिर की बात बीच में ना लाए। आपको सिंपल सी बात है, क्यों आपको अपने साथ ही लड़े पेरेंट्स में तो लड़े। मैं बता रहा हूँ यहाँ से नहीं जाएंगे भैया, नहीं जाएंगी। आपको ना बेमजर होने वाले, जिसने कबूल है तीन दफा बोला है साइन किया है। 25 साल से रहे, 25 सदियों से रहे। जब मैं आपको नहीं जा रहा आप जाए, आप नहीं जाएंगी, बात खत्म। और ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी ना अपनी अपनी औकात में रहो, ठीक है? अपनी औकात में रहो, औकात में रहो अपनी, समझ आ रही है? अपनी लिमिट में रहे, अपनी लिमिट में रहे। अब आप पीछे कर ले आप लोग यार, एक मिनट प्लीज। आप लोग अजीब यार तमाशा लगाया आप लोगों ने, कहीं नहीं जा रही, मेरा हाथ उठ जाएगा। चुप कर जाओ, चुप कर यार, हर हफ्ते नहीं जा रही, तमीज ही नहीं है यार। शोहर बोली जा रहा है, बाप मेरा मुझे गालियां निकाल रहा है, मैं बोल रहा भी है। हेलो, चुप कर जा, चुप कर जा यार, ये नहीं जाएगी बात, नहीं जाएगी, ना जाएगी तुम्हारे मुंह के ऊपर। पागल अपनी बकवास बंद कर, यहां से हिल के दिखा मुझे। अल्लाह की कसम मुझे तो पता भी नहीं था, थोड़ी देर पहले टाइम में ही प्रैंक मुझे पता क्या लगा था, मुझे था पापा थप्पड़ ना मार दे, पापा तो पीछे लपक चले गए। आजो 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 आजो, अब बस क्या सीन है? अब कोई सीन नहीं है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा प्रैंक? कल इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और उसके बाद इतने लेट हो गए थे, 12 बज गए थे, तो मैंने निकलना था मामा की तरफ, तो मामा की तरफ निकले मैं भूल गई, मैंने आउटरोड बिल्कुल शूट नहीं किया, तो मैं अब शूट कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा व्लॉग, और आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले व्लॉग्स का पता लग जाए करे। तो अभी मैं व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है प्रैंक तो हो गया। अब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।